साइंस स्पोर्ट्स आज बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच की, क्योंकि भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में तो शानदार जीत हासिल की है, यानी कि श्रीलंका को सभी तीनों मैच बुरी तरीके से हराए हैं। अब भारतीय फैंस से चाहेंगे कि पांचों मैचों को भी भारतीय टीम जीत कर क्लीन स्वीप करे। ऐसे में पहले मैच में विराट कोहली की क्या रणनीति होगी और साथ ही विराट कोहली कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, वो सभी आपको यहां पर जानने को मिलता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या रहने वाला है प्लेइंग 11, यानी विराट कोहली के वो 11 सिपाही कौन से होंगे जो श्रीलंका को मात देंगे, यानी कि उपुल धरंगा की टीम को ध्वस्त कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर ओपनर्स की बात करूं तो ओपनर्स की अगर बात की जाए तो शिखर धवन और रोहित शर्मा, इन दोनों को कोई नहीं हटा सकता। ये दोनों बल्लेबाज ओपनर्स की शुरुआत करेंगे, यानी कि ओपनिंग की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छी इनकी जो फॉर्म है वो जबरदस्त है। शिखर धवन ने तो टेस्ट क्रिकेट में भी जबरदस्त बल्ला चलाया, हालांकि रोहित शर्मा टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वनडे सीरीज में जो इससे पहले सीरीज हुई उसमें रोहित शर्मा का बल्ला जबरदस्त गूंजा है, यानी कि ओपनर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बाद अगर बात की जाए वन डाउन की तो वन डाउन पे आएंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह के बल्लेबाज हैं उनकी बल्लेबाजी वाकई शानदार है और वो अगर टीम में बैटिंग करते हैं यानी कि उनका बल्ला चलता है तो टीम को मजबूती मिलती है और जीतने के जो चांस हैं वो लगभग 90% बढ़ जाते हैं। ऐसे में विराट कोहली से ज्यादा उम्मीदें रहेंगी श्रीलंका के खिलाफ। वैसे तो अगर बताया जाए श्रीलंका की अब वो टीम नहीं रही जिस टीम से भारत को डरने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त बहुत ज्यादा जोश में है, जोश से लबरेज है और पूरी तरह से हर खिलाड़ी चाहेगा या यूं कहें कि कोहली की युवा सेना चाहेगी कि मैदान में जबरदस्त परफॉर्म किया जाए और जीत हासिल की जाए। तो विराट कोहली वहां पर रहेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए विराट कोहली के तो फिर केएल राहुल जो ओपनिंग की जिम्मेदारी टेस्ट क्रिकेट में निभाते हैं लेकिन अब वनडे में उन्हें चांस मिला है तो शानदार उनको जो है तीसरे और चौथे नंबर पे खिलाया जाएगा। और उसके बाद अगर नंबर आपको बताऊं तो रहाणे, यानी कि ये दोनों बल्लेबाज विराट कोहली के बाद आएंगे। उसके बाद जो नंबर आता है वो है टीम इंडिया के सबसे जबरदस्त फिनिशर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि धोनी का बल्ला भी जबरदस्त गूंजता है। हालांकि अगर बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी की तो धोनी ने थोड़ा सा निराश किया है, हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अच्छे रन जरूर करे हैं लेकिन कुछ मैचों में निराशा भी हाथ लगी है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को अपने आप को साबित करना होगा बल्लेबाजी में, उन्हें फिर से एक फिनिशर की अहम भूमिका निभानी होगी तभी श्रीलंका पे हम जो हैं जीत पाएंगे। उसके बाद अगर बात करूं तो लगातार बातें चल रही थी कि मनीष पांडे को मौका मिलेगा क्या, मनीष पांडे टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जो ये संभावित मैं आपको बताने जा रहा हूं इस संभावित में मनीष पांडे को जगह नहीं मिल पा रही है। उसके बाद नंबर आता है महेंद्र सिंह धोनी के बाद हार्दिक पांड्या के, वो छक्के तो शायद आपको याद होंगे टेस्ट क्रिकेट में भी किस तरह से उन्होंने जबरदस्त शतक लगाया और एक ओवर में 26 रन भी कूटे, यानी कि हार्दिक पांड्या जबरदस्त है और मौका मिले तो वो धोनी से पहले भी उतर सकते हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या भी टीम का हिस्सा होंगे, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, यानी टीम इंडिया को जब जरूरत पड़ेगी तो वो गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए स्पिन विभाग की तो स्पिनर दो होंगे, यानी एक होंगे अक्षर पटेल और दूसरे कुलदीप यादव। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि कुलदीप यादव ने किस तरह की गेंदबाजी की और वही उनका लाजवाब परफॉर्म था कि उसकी वजह से वो आज टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं। तो ये जो है स्पिनर की जो भूमिका में रहेंगे ये दो गेंदबाज रहेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो दो पेसर रहेंगे भुवनेश्वर कुमार जो अपने स्विंग से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है जसप्रीत बुमराह का। तो ये है भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी और वो 11 सिपाही जो श्रीलंका को मात देंगे। अगर बात करूं दो ही फास्टर क्यों लिए हैं तो दो फास्टर लेने का मकसद ये है कि जो हमारे जो हार्दिक पांड्या है जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी जोहर दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं यहां पर ओवर पूरे करेंगे। हालांकि इस टीम को चुनने से पहले लगातार बातें उठती रही कि युवराज सिंह को बाहर कर दिया, सुरेश रैना को बाहर कर दिया, वो यू टेस्ट से बाहर हुए हैं, यह तमाम ऐसी बातें। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो टीम है वो यही है और इसी टीम को श्रीलंका पर पार
पाना ही होगा। 5 मैचों की जो सीरीज है उसको जीतकर एक बार फिर से अपना दमखम दिखाना होगा, यानी कि पूरी तरह से फाइट इस बार जबरदस्त होने वाली है और मजा पूरा आने वाला है। तो पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देंगे हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा।